हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेशनल डिज़ाइनर। आज मैं बनाऊंगी 2-3 मंथ्स बेबी ड्रेस। इसको बहुत ही आसानी से आप भी घर पर रेडी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉप का अपर पार्ट है, फ्रंट बैक दोनों साइड। विड्थ है इसकी 13 इंच, लेंथ है 5 इंच। मैं इसको 4 फोल्ड करूँगी। 4 फोल्ड करने के बाद मैं 4 इंच पर शोल्डर की मार्किंग करूँगी। आर्म होल 4 इंच, नेक विड्थ 2 इंच, फ्रंट नेक लेंथ रखूंगी मैं 2 इंच, बैक नेक लेंथ मैंने रखी है 1.5 इंच, बैक नेक और ये फ्रंट नेक। ये देखिए, इस तरह से अब मैंने शोल्डर की कटिंग कर लेनी है और यहाँ से थोड़ा सा हम तिरछा ऊपर की साइड लेंगे। और अब सबसे पहले मैंने बैक नेक की कटिंग करनी है। फ्रंट बैक दोनों पार्ट कट कर रेडी हैं। ये है हमारा फ्रंट पार्ट, तो अब मैंने फ्रंट नेक की कटिंग करनी है। फ्रंट नेक की कटिंग हो चुकी है, अब मैं फ्रंट टॉप को सेंटर से कट करूंगी। ये टॉप का बॉटम पार्ट है, लेंथ है इसकी 9 इंच, विड्थ है 14 इंच। ये देखिए, फ्रंट बैक दोनों बॉटम पार्ट हैं। अब फ्रंट बॉटम पार्ट को मैंने सेंटर से कट करना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड किया है और अब मैं इसको सेंटर से कट कर लूँगी। टॉप को मैंने फ्रंट साइड से ओपन रखना है, इसलिए मैंने बॉटम पार्ट को भी सेंटर से कट किया था और टॉप के अपर पार्ट को भी सेंटर से कट किया था। और इस तरह से मैं इनमें बहुत हल्की हल्की सी प्लेट डालूँगी और बैक साइड में सेंटर में प्लेट्स डालूंगी। तो चलिए, मैं अब स्लीव्स की कटिंग कर लेती हूँ। विड्थ है 11 इंच, लेंथ है 4.5 इंच। ये देखिए, ये हमारी दोनों स्लीव्स हैं। अब मैंने दोनों स्लीव्स को 4 फोल्ड किया है। अब मैंने शोल्डर की कटिंग के लिए 1.5 इंच पर मार्किंग की है और नीचे के साथ फिटिंग के लिए मैंने 4.5 इंच पर मार्किंग की है। अब मैंने शोल्डर की इस तरह से शेप दे देनी है और मैं इस तरह से स्केल के हेल्प से मार्किंग करूंगी और अब मैं कटिंग कर लूंगी। बहुत ही आसानी से हमारा टॉप बनकर रेडी होगा। ये देखिए, स्लीव्स की कटिंग मेरी हो चुकी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं टॉप के बैक पार्ट को रेडी करूंगी। बॉटम पार्ट पर मैंने सेंटर में मार्किंग की है और मैंने इस पर सेंटर में एक प्लेट बनानी है। ये देखिए, सबसे पहले मैं प्लेट्स बनाकर स्टिच कर लूँगी, इससे हमें बहुत ही आसानी होती है। और अब मैं टॉप के अपर पार्ट को इसके ऊपर रखूँगी और जॉइन कर लूँगी। अपर पार्ट को मैंने सेंटर पर कट किया है ताकि हमें सेंटर से सेंटर को मिलाने में आसानी रहे। देखिए, बैक टॉप पार्ट को मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैंने फ्रंट टॉप पार्ट को स्टिच करना है, तो बॉटम पार्ट के सेंटर में मैंने एक एक प्लेट्स बना लेनी है दोनों साइड। प्लेट्स दोनों मेरी बन चुकी हैं। अब मैंने फ्रंट टॉप के अपर पार्ट को बॉटम पार्ट पर रखना है ऊपर की साइड और स्टिच कर लेना है। ये देखिए, फ्रंट टॉप को भी मैंने जॉइन कर लिया है। ये देखिए, मैंने 1 स्ट्रिप ली है और विड्थ है इसकी 2 इंच और मैंने टॉप के सेंटर में इसको इस तरह से रखा है। बैक साइड ऊपर रखी है और फ्रंट साइड
अंदर की साइड रखी है और अब मैंने इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी बैक साइड में और स्टिच कर लूँगी। फ्रेंड्स, आपके घर पर वेस्ट फैब्रिक हो तो आप उसी से ये ड्रेस रेडी कर सकते हैं। आपकी कम से कम रेंज में रेडीमेड जैसी ड्रेस बनकर रेडी हो जाएगी। तो आप भी ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स को मेरी वीडियो शेयर कीजिए। देखिए, इस तरह से एक साइड मेरी तैयार हो चुकी है। अब मैं दूसरी साइड के टॉप को भी सेम तरीके से स्टिच करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, टॉप की फ्रंट बैक दोनों साइड मेरी रेडी हो चुकी है। अब मैं फ्रंट टॉप के ऊपर बैक टॉप पार्ट को रखूँगी और शोल्डर को ज्वाइन करूँगी। फ्रेंड, शोल्डर को मैंने ज्वाइन कर लिया है। देखिए, अब मैं नेक की पाइपिंग बनाऊंगी। उसके लिए मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है फैब्रिक को और मैं ओरेप कटिंग करूंगी। नेक पाइपिंग ओरेप कटिंग की लगाओ तो बहुत ही आसानी होती है और इसमें फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा आती है। तो देखिए, इस तरह से मैं दोनों स्ट्रिप को रखूंगी और यहाँ पर स्टिच करूंगी। स्टिच मैंने कर लिया है, ये देखिए कुछ इस तरह से रेडी हो जाती है। और अब मैंने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसको बैक साइड में हाफ इंच अंदर की साइड फोल्ड करके मैं इसको इस तरह से स्टिच कर लूंगी। देखिए, पूरे नेक पर मैंने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट मेरे लग चुके हैं और मैं ये दोनों साइड को ऊपर की साइड फोल्ड करूंगी। ये देखिए, स्ट्रिप के एकदम किनारे पर मैंने एक सिलाई लगा लेनी है ताकि ये मजबूत हो जाए। और ये एक सिलाई करने से ये बिल्कुल पाइपिंग निकलती नहीं है और बहुत ही ज़्यादा इसमें फिनिशिंग आती है। अभी देखिए, नेक की पाइपिंग को मैंने टॉप के बैक साइड में फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। ये देखिए, स्टिच मैंने कर लिया है, नेक मेरा रेडी है। अब मैं स्लीव्स को रेडी करूँगी, हाफ इंच अंदर की साइड फोल्ड करूँगी और इस पर स्टिचिंग करूँगी। सेम तरीके से मैं दूसरी स्लीव्स को भी रेडी करूँगी। फ्रेंड्स, मेरी पूरी वीडियो को फॉलो कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोनों स्लीव्स को मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैंने स्लीव्स को शोल्डर में ज्वाइन कर लेना है। स्लीव्स को शोल्डर में मैंने ज्वाइन कर लिया है, ये देखिए। अब मैंने टॉप की फिटिंग कर लेनी है। अपने मेजरमेंट के हिसाब से आप फिटिंग कर सकते हैं। अब मैं बॉटम पार्ट को भी स्टिच कर लूँगी। फ्रेंड्स, इस टॉप पर लगाने के लिए मैंने छोटी सी बटरफ्लाई लगानी है तो उसके लिए मैंने 2.5 इंच की दोनों साइड से कटिंग करी थी स्ट्रिप की। तो स्ट्रिप ली है और उसको चारों तरफ से मैंने स्टिच किया है और फिर एक साइड से मैंने छोटू सा हॉल किया था और इसको इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करके इस तरह से इसके कोनों को निकाल लूँगी। आप किसी भी चीज़ से कोनों को तैयार कर सकते हैं। और ये इस तरह से मैंने इसको पकड़ना है और इस पर सुई की हेल्प से इसको स्टिच कर लेना है ताकि इधर इधर नहीं हिले। और ये इस तरह से इस फैब्रिक को मैंने इस पर रखा है, इसको मैंने स्टिच कर लिया था। और वे इस तरह से बैक साइड में आप फोल्ड करें और इसको स्टिच कर लें। बहुत ही आसानी से हमारी बटरफ्लाई बनकर रेडी हो जाती है। आपको मेरी बटरफ्लाई का तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, बटरफ्लाई बनकर रेडी है।
बेबी पैंटी बनाएंगे हम। बेबी पैंटी बनाने के लिए फैब्रिक की लेंथ है 10 इंच, विड्थ है 18 इंच। फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करना है। यह हमारी ओपन साइड है और अब मैंने इसको फोर फोल्ड करना है। ओपन साइड में ऊपर से नीचे की साइड में 5 इंच पर मार्किंग करूंगी और अब मैंने पैंटी की नीचे की साइड मैंने 3 इंच पर मार्किंग करनी है। और अब पैंटी की इस तरह से मैंने एक शेप दे दी है, देखिए। शेप देने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ और ये 1 इंच पर मैंने मार्किंग की है। इलास्टिक डालने के लिए मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी और इसको स्टिच करूँगी। ये देखिए, अब ये साइड के किनारों को मैंने इस तरह से स्टिच करना है, दोनों साइड को सेम तरीके से स्टिच मैंने कर लिया है। देखिए कितनी फिनिशिंग आई है। और अब मैंने ये इलास्टिक ली है 11 इंच, दोनों साइड की 11 इंच ली है और अब मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा खींचते हुए इसको स्टिच कर लेना है। इलास्टिक को थोड़ा थोड़ा खींचते रहें और फैब्रिक को पीछे की साइड खींचते रहें और इसको थोड़ा सा फुल चाल से आप लगाएं तो इसमें ज़्यादा फिनिशिंग आती है। ये देखिए, दोनों साइड की इलास्टिक लगकर रेडी है। फ्रेंड्स, अब मैं पैंटी की दोनों साइड को स्टिच करूँगी और दोनों साइड को मैंने सेम तरीके से स्टिच करना है। ये देखिए, इलास्टिक के लिए मैंने इस तरह से स्टिच करना है। स्टिच मैंने कर लिया है और 1 इंच मैंने इसको ओपन रखा है। इलास्टिक ली है मैंने 16 इंच, जहाँ से मैंने इसको ओपन रखा था वहाँ से मैं इसमें इलास्टिक डालूँगी। ये देखिए, इलास्टिक मेरी डल चुकी है। फ्रेंड्स, आप भी घर पर रेडीमेड ड्रेस रेडी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।